अभी हम बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेंगे, उसका एक्सप्लेन करेंगे, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी। ज़्यादातर जो बिगनर्स होते हैं उनको एक तरीके से विजुलाइज करने में, अगर बात करें सिंपल से, इमेजिनेशन क्रिएटिविटी उसी से जुड़ी हुई है। विजुलाइजेशन, चीज़ों को विजुलाइज करने में दिक्कत होती है और वो एक तरीके से उनके क्रिएटिविटी या इमेजिनेशन का हिस्सा है, क्योंकि अगर वो विजुलाइज नहीं कर पा रहे तो वो पर्टिकुलर चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को सही से डिस्प्ले नहीं कर पाते। कई बार दो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक कि माइंड के अंदर तो वो विजुलाइज कर पाते लेकिन ऑन पेपर वो नहीं कर पाते। तो ऑन पेपर वो नहीं कर पाते विजुलाइजेशन उस पर्टिकुलर चीज़ का, यानी कि दिमाग में उनको सारा कुछ अच्छा से समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि ये बनाना है या ये उन्होंने पर्टिकुलर चीज़ सोची, लेकिन उसको ऑन पेपर वो नहीं बना पाते। यहाँ पे स्किल्स की ज़रूरत होती है। कई बार क्या होता है कि स्किल्स डेवलप होने के बाद भी कई जगह पर उस डिफ़िकल्टीज़ महसूस होती है, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू आप प्रोग्रेस जब करते हैं तो वो चीज़ें आती रहती हैं। अब सवाल ये है कि वो किस तरीके से वो जो विजुलाइजेशन पावर है वो आती है या फिर डेवलप हो जाती है, ये समझ में नहीं आता। लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि किस तरीके से कॉमिक्स आर्टिस्ट अपनी जो विजुलाइजेशन की पावर है या जो विजुलाइजेशन करने का तरीका है कॉमिक्स के लिए, क्योंकि हमने बात की थी कि जो स्टैंडर्ड या रिक्वायरमेंट जो है वो कॉमिक्स के लिए, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी कॉमिक्स के लिए क्या चाहिए। कॉमिक्स में रिक्वायरमेंट होता है कि एक पर्टिकुलर आपको सीन बनाना है, फिगर बनाना है, पर्टिकुलर एंगल से बनाना है ना। तो एक एंगल यहाँ पे आप कह सकते हैं फ्लैट एंगल, 3D एंगल, दो चीज़ें यहाँ पे, यहाँ प्रॉब्लम होती है। अब जैसे कि ये एक गोला है, ये मैग्नेट है, देख सकते हैं, तो ये जो मैग्नेट है ये गोल है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हमें एक पैनल में एक गोल ऑब्जेक्ट में है, मान लीजिए पृथ्वी बनानी, तो गोला हमने बना लिया, ये गोला भी गोला भी नहीं बन रहा, ये कैमरे में मैं देख रहा हूँ और बना रहा हूँ तो दिक्कत हो रही है। ये गोला मान लीजिए हमने बना लिया इसकी तरह कि, और मान लीजिए रेफरेंस भी ले लिया, ये गोला बनाया रेफरेंस लेके, ये हमने ये पृथ्वी बना, ये मान लीजिए अर्थ है। अब हमसे कहा गया कि ये तो फ्लैट फ्रंट सीन हो गया, इसके बैक का हमको बनाना है, तो हमने इसको मूव किया, ये इसके बैक साइड हमको दिख रहा है, हमने फिर से बना लिया, ओके, और ये सेम बन रहा है। बहुत ईजी है क्योंकि ये गोला, इसको अलट पलट करके हम देखें तो कहीं से भी ये सेम बनेगा। अब मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि गोला नहीं है, बहुत कॉमन ऑब्जेक्ट में आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए चार्जर, और ये हमारे पास रेफरेंस है, इसमें आसानी है, तो लेकिन हमको सोचना है कि मान लीजिए हमारे पास चार्जर नहीं है और हमको चार्जर बनाना है, तो हमने ये मान लीजिए फ्रंट से बना दिया चार्जर, बहुत सिंपल है, ये मान लीजिए कि हमने चार्जर बना दिया। अब हमसे कहा गया चलो ये तो ठीक है चार्जर बन गया, अब इसको हमें इस तरीके से बनाना चाहिए, ठीक है, तो ये भी बन गया। जब तक फ्लैट रहेगा ये बड़ा आसान रहेगा पहला, और सोचना भी, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ये आपके पास अभी रेफरेंस के लिए, मान लीजिए हमारे पास है ही नहीं रेफरेंस के लिए और हमें चार्जर बनाना है लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल से अलग बनाना है क्योंकि कंपोजिशन में वो उसी तरीके से फिट बैठता है। अब मान लीजिए हमको इस तरीके से बनाना है चार्जर, अब ये जो एंगल है सोचने में बहुत से लोगों को डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि मान लीजिए गोला है, आप उसको अलट पलट के कहीं से भी सोचें, किसी भी एंगल से सोचें, वो गोल ही होगा, लेकिन जब इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो आपने जब उसको सोचना स्टार्ट किया तो उसको आपको अपने दिमाग में उलट पलट करने में दिक्कत आएगी। आप उसको इस एंगल तक तो चलिए सोच लिया, लेकिन आपको इस तरीके से उसको एंगल चेंज करने में दिमाग में दिक्कत आएगी,
ये चीज़, ये दिक्कत है ठीक है, लेकिन ये एक प्रैक्टिस है, इसको आप एक प्रैक्टिस की तरह लीजिए। आप एक ऑब्जेक्ट सोचिए, कोई भी चीज़ हो सकती है वो, और उसको, उस ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग एंगल से, अलग अलग व्यू पॉइंट से सोचिए। अब जैसे कि चार्जर हमने बनाया था, अब एक अलग व्यू पॉइंट से हम बनाएंगे इस तरीके से। मान लीजिए बना दिया हमने चार्जर, बना दिया एक अलग व्यू पॉइंट। अब इसी को हम थोड़ा सा और चेंज करेंगे, इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से ये चेंज किया जा सकता है, व्यू पॉइंट्स अलग अलग एंगल से सोचा जा सकता है। ये प्रैक्टिस आपको करनी है, बिना कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस लिए देखे अपने मन में आपको सोचना है, उसको अलग अलग व्यू पॉइंट से जानबूझकर देखना है, अपने दिमाग में इमेजिन करना है। प्लस ये तो आपके दिमाग का जो क्या कहें एक्सरसाइज के लिए हो गया, आपको वो चीज़ पेपर पे भी बनानी है। प्रैक्टिस कीजिए, गलत बनेगा कोई बात नहीं, लेकिन जब आप उसको बनाएंगे तो ये सोच कर बिना रेफरेंस के, एक तरीका ये है। सेकंड, रेफरेंस से बहुत से मतलब, एक अगर इजी वे में जाए तो एक तरीका ये है, सेकंड ये है कि आप कोई चीज़ ऐसे ऑब्जेक्ट लीजिए, उसको इस एंगल से बनाइए, फिर इस एंगल से अलग अलग एंगल से, ऐसे किसी भी एंगल से, हल्के से मतलब चेंज एंगल से भी बना सकते हैं। मान लीजिए यही एंगल है, उसको थोड़ा सा इतना कर दिया, टिल्ट कर दिया, फिर इतना कर दिया, इतना कर दिया। तो इस तरीके से आप सोचिए और बनाइए, इससे आपकी जो इमेजिनेशन पावर है वो बढ़ेगी। ये आपको हेल्प करेगा कॉमिक्स बनाने में, सीन कंपोजिशन में, क्योंकि मान लीजिए ये गोले की जगह पे चार्जर बनाने को अगर हो सीन के अंदर, कॉमिक्स के अंदर, तो एक तो आप बना देंगे लेकिन सेकेंड में नहीं बना पाएंगे, यानी कि वो चीज़ें, वो जो इमेजिनेशन है वो उस तरीके से आपको डेवलप करना पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट है, ये कॉमिक्स में, कॉमिक्स आर्ट में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम कॉमिक्स आर्ट की बात कर रहे हैं। प्लस नॉर्मल आर्ट में भी जाहिर सी बात है, आप सिर्फ पूरी ज़िंदगी या फिर ऐसे ऑब्वियसली सीखने के लिए, आर्ट सीखने के लिए, आर्ट के अंदर सिर्फ फ्लैट चीज़ें ही नहीं होती हैं, गोल ये हो गया, और भी चीज़ें होती हैं कि पेड़ भी हो गया, मान लीजिए आपने सिर्फ ऐसे बनाया, हो सकता है रिक्वायरमेंट होगी कि भाई ऊपर से चिड़िया, चिड़िया देख रही है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पेड़ बनाना है, तो इस तरीके से बनाना पड़ेगा, है ना। हो सकता है इस तरीके से पेड़ बनाना पड़े कि तना तो नहीं दिख रहा, सिर्फ यही दिख रहा है। तो ये चीज़ें, ये आपको बहुत जगह काम आएगा, बहुत अलग अलग तरीके से काम आएगा, हर ऑब्जेक्ट, हर चीज़ को बनाने का तरीका। जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, इससे कीजिए, इससे कीजिए, या कोई भी ऐसे छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनको आप यूज़ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, इमेजिनेशन पावर जो है अपनी बढ़ा सकते हैं। जब आप इसको प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका जो इमेजिनेशन करने की क्षमता है वो बढ़ रही है। आप उसी हिसाब से कॉमिक्स के अंदर में सीन कंपोजिशन भी कर पाएंगे। आप मान लीजिए तीर बनाते हैं, आजकल रामायण आ रहा है तो तीर वगैरह काफ़ी जो इफेक्ट है, तो आपने ये तीर बनाया इस तरीके, ये हो गया फ्लैट, ये थोड़ा सा टिल्टेड हो गया, इस तरीके से ये तीर बन गया। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी, जाहिर सी बात है इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, लेकिन कॉमिक्स है, ड्राइंग है, अलग अलग एंगल्स से बनाना होता है, यहाँ पे इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये इमेजिनेशंस की कैटेगरी में कॉमिक्स आर्टिस्ट के लिए आता है। ये आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीखते जाएंगे और धीरे धीरे आपको इसका रिजल्ट मिलने लगेगा। तो ये एक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक प्रैक्टिस है आपकी कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स को लेकर रेफरेंस लेकर और उसको बनाएं, एक तरीका ये अलग अलग एंगल से बनाएं रेफरेंस देख के। एक सेकंड प्रैक्टिस जो है एक्सरसाइज दिमाग के लिए, इमेजिनेशन बढ़ाने के लिए, वह है कि आप अपने दिमाग में उन ऑब्जेक्ट्स को सोचें, क्योंकि जब आप दिमाग में सोच कर और फिर बनाने लगेंगे तो बहुत जल्दी आपकी जो क्रिएटिव स्किल है, ड्राइंग करने की स्किल है, वो बढ़ेगी, इमेजिनेशन बढ़ती है तो आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, यानी क्रिएटिविटी बढ़ेगी,
ये सारे कनेक्टेड हैं। आर्ट में अलग अलग एंगल से ड्राइंग बनाना, 3D एंगल से मान लीजिए, अलग स्टाइल से बनाना, अलग अलग कह सकते हैं वेरिएशन के साथ बनाना, उनके लिए जो स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, वो बढ़ेगी जब, तो आप वो सारी चीज़ें इजीली कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया अलग एंगल से तीर बनाना या चाहे और ऑब्जेक्ट्स बनाना, चार्जर हो गया, चार्जर बना रहे हैं आप तो अलग एंगल से आप चार्जर बना रहे हैं, या फिर ह्यूमन फिगर हो गया तो ह्यूमन फिगर मान लीजिए फेस आप बनाते हैं, तो ये फ्लैट फेस हो गया। अब हमको मग शॉट लेना है, मग शॉट होता है इस तरीके से, ये हो गया, तो ये हो गया। कई लोग इस तरीके से बना पाते हैं, इस तरीके से नहीं बना पाते हैं, उसमें भी हो सकता है इस तरीके से बना पाए, लेकिन इस तरीके से ना बना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिस करने पे आएंगी। प्रैक्टिस दिमागी कसरत, जाहिर सी बात है बहुत से आर्टिस्ट प्रैक्टिस करते हैं ये, लेकिन कई बार वो फॉलो करते हैं टेक्निक्स हो गई, क्या बोले, प्रैक्टिस पेजेस हो गए जो दूसरों ने सिखाए हैं, या तरीके हो गए कि अलग अलग एंगल से ऐसे ऐसे बनाना है, वो सिंपली उसको बनाते रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो बेसिकली फिगर बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। धीरे धीरे समय के साथ में उनका जो इमेजिनेशन की स्किल है वो बढ़ती है, कई बार क्या होता है नहीं बढ़ पाती, क्योंकि एक्चुअल में प्रैक्टिस यानी ये जो प्रैक्टिस करते हैं अगर कहीं से देख के रेफरेंस से करते हैं तो वो बेसिकली होता है मिमिक, यानी मिमिक किया जा रहा है, वो नकल किया जा रहा है, तो वो उन्होंने वो किया है, यानी कि वो सेम टू सेम वैसा बना पाते हैं अच्छे से अच्छा, लेकिन जब कुछ नया बनाना होता है तो वो नहीं बना पाते, उसमें उनको दिक्कत होती है। यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो निकल के बाहर आती है, यानी कि जो इमेजिनेशन है उस पर तो वर्कआउट किया ही नहीं गया, उस पर उस या उसको डेवलप करने के लिए कहीं पर कोई इंस्ट्रक्शन या कोई भी ऐसा तरीके तो बताए नहीं गए, तो किस तरीके से वो जो माइंड है उसको डेवलप कर पाएंगे। और जाहिर सी बात है अगर आपका दिमाग एक तरीके से जागृत हो गया, वो जो स्किल है, वो जो इमेजिनेशन है, वो जागृत हो गई, तो उसके बाद ये सब चीज़ें, ये सब बनाना तो वो तो फिर सेकेंडरी रह जाए, यानी कि आप कुछ भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ मायने रखते हैं कि आपको इधर ध्यान देना है, ये भी कीजिए, साइड बाय साइड कीजिए, बाद में कीजिए, पहले कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस पर फोकस कीजिए कि आप किस तरीके से अपनी स्किल्स बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस किस तरीके से आप अपने दिमाग को एक प्रैक्टिस करवाएंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, अलग अलग चीज़ें हो गई, ऑब्जेक्ट्स हो गए, इससे भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें मान लीजिए, ये हो गया, ये रबर, नीडेड रबर होता है, ऐसा मिट्टी की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये देखिए, तो ये तो चलिए फिर भी बड़ा आसान हुआ है। अब मैंने ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया, अब मैं दिमाग में सोच रहा हूँ कि इसके पीछे की साइड क्या होगा, यहाँ पर ये जो पूरा फॉर्मेशन है, ये ज़रूरी नहीं है कि पीछे होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई चीज़ें समझने के लिए आपको बड़ा हेल्पफुल होगा। मान लीजिए ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कि बैक साइड आपने देखा ही नहीं, यहाँ क्रिएटिविटी या फिर जो भी बोले इमेजिनेशन काम आती है, इमेजिनेशन मान लीजिए यही है, यही ऑब्जेक्ट है, इसका बैक साइड हमने देखा नहीं, लेकिन इसका फॉर्म हमने देखा कि ये इसका फॉर्म कुछ इस तरीके से है, ये इस तरीके से फॉर्म है। अब इसका जो बैक साइड होगा तो हम क्या करेंगे, हम अपना दिमाग लगा के इसको बनाएंगे। तो मान लीजिए हमने बना दिया, और हो सकता है कि इसका बैक साइड डिफरेंट हो, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। कब फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि आपके पास रेफरेंस ना हो, या ऐसा कोई जो भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक बिल्डिंग है जो कि आपको सिर्फ वन टाइम बनानी है, या एक पर्टिकुलर बिल्डिंग बोल दी गई किसी, मान लीजिए किसी देश में कोई पर्टिकुलर फेमस बिल्डिंग है, वो आपको दे दिया गया। अब वहाँ दो क्वेश्चन होंगे, या तो आप रेफरेंस लीजिए, और या फिर अपने आप, अगर आपको फ्रंट का रेफरेंस मिला है, फ्रंट साइड का, और एक पैनल ये आ जाता है, आप सेकंड पैनल में आपको बनाना है बैक साइड इसी चीज़ का, और आपके पास
बैक साइड का रेफरेंस है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, आप उसका बैक साइड क्रिएट करेंगे। जाहिर सी बात है, गलत हो सही हो वो फिर सेकेंडरी चीज़ हो जाती है, लेकिन वहाँ पे आप अपना दिमाग लगाते हैं, ऐसा नहीं कि फ्रंट वाले को ही बैक साइड में भी बना दिया। तो ये चीज़ें आपको जब आप एक्सरसाइज करें, सोचें समझें, तो अलग अलग एंगल से आपको चीज़ों को देखना है, प्रैक्टिस करनी है, सोचना है, वेरिएशन लाना है। कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, किसी भी एंगल से मतलब हो सकता है, प्लस वैरायटी हो सकती है उसमें, हो सकता है कि वो परफेक्ट ना हो। आपने ये स्टैटिक चीज़ें इमेजिन की, अब हम आते हैं, जैसे कि सिंपली अभी मैंने एक टर्म यूज़ किया, स्टैटिक चीज़ें जो कि नहीं बदल रही, सेम रहती, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, लेकिन ये अभी सेम है, ये बदल जाए। अब मान लीजिए ये मैं हाथ से इसको चेंज कर रहा हूँ, और आप ये देख रहे हैं कि ये मैं चेंज कर रहा हूँ। अब मान लीजिए कि ये मेरे पास है ही नहीं, हाथ हाथ भी नहीं है, रबड़ भी नहीं है। आप यही सेम चीज़ दिमाग में सोच रहे हैं कि एक रबड़ है, नीडेड रबड़ है, और एक हाथ है, वो उसको नीड कर रहा है, यानी कि दोबारा है और वो चेंज हो रहा है। आप अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए कि वो किस तरीके से चेंज होगा, वो जो रबड़ है वो किस तरीके से अपना शेप चेंज करेगा। देखिए, ये आपको इमेजिन करना है, ये चीज़ें। अब ये जो हो गया, ये हो गया नॉन स्टैटिक, यानी कि ये जो इमेजिनेशन है यहाँ पे, ये नॉन स्टैटिक है। आप दिमाग के अंदर अपने जो इमेजिनेशन है उसके थ्रू चीज़ों का शेप दिमाग में ही बदलते हैं, उसकी लोकेशन भी बदल सकते हैं। आपने दिमाग में सोचा कि एक चीज़ यहाँ है, वो उड़ के दूसरी जगह जा रही है, यहाँ पर है, उड़ रही है, साथ में उड़ भी रही है, जा भी रही है, साथ साथ एंगल भी चेंज हो रहा है, या फिर उसका शेप भी चेंज हो रहा है, उड़ भी रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। यानी कि इससे क्या होगा, आपका दिमाग की जो पावर है, इमेजिनेशन पावर, वो बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ये एक प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे हमने मोटा मोटी दो तीन चीज़ों की बात की, एक की अलग अलग एंगल से चीज़ों को देखें, बनाएं। सेकंड वो स्टैटिक हो गया, सेकंड नॉन स्टैटिक, चीज़ों को आप शेप होते हुए देखिए, इमेजिन कीजिए, अलग अलग उसका फॉर्म बदल रहा है, वो अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए, हर एक सेकंड, नैनो सेकंड, किस तरीके से वो बदल रहा है, स्लोली, एकदम से एक शेप से दूसरे शेप में चले जा रहा है, हो सकता है रबड़ से वो पैन बन गया, है ना। तो बेसिकली नॉन स्टैटिक, इस तरीके की प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपका जो सोचने का ताकत है, इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, जो कि रिक्वायरमेंट है कॉमिक्स आर्टिस्ट बनने के लिए, या फिर एक नॉर्मल आर्टिस्ट भी बनने के लिए, कई चीज़ों में आपको वो दिमाग, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन लगानी पड़ती। तो वो किस तरीके से बढ़ेगी, धीरे धीरे इन तरीकों से आप वो प्रैक्टिस करके अपने दिमाग को एक तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करवा सकते हैं कि उसकी इमेजिनेशन वो बढ़े। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक इमेजिनेशन, उसके थ्रू उसको फिर, ये आपका अभी सोचा आपने, फिर उसको आप रेफरेंस कैसे लेंगे, तो इस पर हम बताएंगे कि किस तरीके से रेफरेंस लेना है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। यानी कि ये जो इमेजिनेशन है, जो आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं, उसको आप पेपर पे या किसी और मीडियम में डिस्प्ले कैसे करेंगे, उस पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से, अलग अलग तरीके से आप स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, इमेजिनेशन प्रैक्टिसेस करके अपनी इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि दिमाग में तो हर कोई सोच ही लेता है, उसको पेपर पे कैसे लाया जाए, क्योंकि असली जो आर्टिस्ट का, कॉमिक्स आर्टिस्ट का, वो यही कि पेपर पे या किसी दूसरे मीडियम में उसको किस तरीके से उतारा जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे हमने बताया था गोला हो गया, ये तो बड़ा इजी है ना, गोला बना दिया, ठीक है। अब बैक साइड से बनाना है तो बैक साइड से भी वही बनेगा। ये स्क्वायर शेप हो गया, स्क्वायर शेप हमको बनाना है, तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, स्क्वायर शेप बना दिया, दूसरे एंगल से बनाना है, दूसरे एंगल से बन गया, तो इस तरीके से हो गया। और किसी एंगल से बनाना है तो चलिए, और किसी एंगल से बन गया,
तो ये इस तरीके से आपको पेपर पे लाना है। ये मैंने इसको रेफरेंस नहीं लिया है, ऐसे नहीं किया, फिर भी मैंने बना दिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप सोचेंगे तो उसको आप बना पाएंगे। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको बनाना इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एंगल में ईजी होता है। जैसे कि गोला हो गया, गोला आप चाहे किसी भी एंगल से बनाएं, इसी तरीके से बनाएं, भले उसमें वो जो इफेक्ट है गोले का और वो चीज़ें लाना होता है, वो एक अलग इशू है, लेकिन बेसिक फॉर्म वो बन गया। अब स्क्वायर जो हो गया, अगर सिर्फ एक फ्लैट स्क्वायर होता तो इसके ज़्यादा एंगल्स नहीं है, इसके दो ही एंगल्स हैं, एक ये फ्लैट सामने से, और अगर आप इसको इस एंगल से देखें यहाँ से, तो ये एक लाइन की तरह दिखेगा। तो इसके दो ही वेरिएशन है, इसके इसके दो वेरिएशन है, एक दो इसके, चाहे आप किसी भी एंगल से बना लीजिए, एक ही वेरिएशन है। तो ये जो वेरिएशन है, एंगल्स हैं, ये हैं क्या, इसको समझकर हम ऑन पेपर इन चीज़ों को बना सकते हैं या उसको बनाने में हमें हेल्प मिलेगी। तो ये हम कैसे करेंगे ये मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली हमने अभी बात की फॉर्म्स की, कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट या चीज़ें हम बनाते हैं उसका फॉर्म होता है। अभी हमने बात की, ये हो गया फ्लैट, ये हो गया कह सकते हैं 2D, और अगर ये अगर चार्जर होता तो ये 3D हो जाता। तो जब हम ड्राइंग करते हैं कोई ऑब्जेक्ट, उसको अगर 3D में बनाना है, किसी और एंगल से बनाना है, तो उसका जो फॉर्म है वो मैटर करता है, कि फॉर्म जो है उसको हमें प्रॉपर तरीके से रिप्लिकेट करना है, कॉपी करना है, या फिर उतारना है कागज़ पर, जो हमारे दिमाग में, या जो रेफरेंस में, दिमाग में जो हम सोच रहे हैं वो एक तरीके से रेफरेंस ही है। तो जो भी इमेजिनेशन हम दिमाग में ला रहे हैं उसको एज ए रेफरेंस यूज़ करें, उसके बेसिक फॉर्म्स आप आइडेंटिफाई कीजिए। उससे क्या होगा कि उसका जो बेसिक फॉर्म है वो क्लियर हो जाएगा, तो आपको वो बनाने में आसानी रहेगी। जैसे गोला है, आपको पता है गोला है, तो आपको आपका फोकस कहाँ है कि वो गोल बने, वो चारों तरफ से गोल बने। स्क्वायर है तो आपका फोकस है कि भाई चारों एंगल बराबर हो। आप ऐसा नहीं करते कि स्क्वायर है चार्जर लेकिन आप उसको ऐसे बना देते हैं कागज़ पे, क्योंकि आपको पता है वो इतना तो लंबा है नहीं, वो इतना है। ये जो है मीजरमेंट, मीज़रमेंट काम आएगा, यानी आप अपने दिमाग में उस पर्टिकुलर चीज़, ऑब्जेक्ट या शेप, फिगर, उसका मीज़रमेंट करते हैं, उसको एक फॉर्म देते हैं कि वो कितना छोटा, कितना बड़ा, चौड़ा, किस तरीके से है। ये तो स्टैटिक सी चीज़ें हो गई, एक शेप में हो गई, काफ़ी आसान है। मान लीजिए इसको हमने बनाना है, ये हमने दिमाग में सोचा, लेकिन अब इसमें आप शेप कौन सा देखेंगे, आपको इसमें शेप नहीं देखना है, क्योंकि अगर इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, आपको देखना है कि ये पर्टिकुलरली किस तरीके से शेप में या किस शेप में आ सकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम इसको एक गोले में डालते हैं, ये रबड़ को, या स्क्वायर में, हमें रिक्वायरमेंट क्या है, इनके जो एंड्स हैं स्क्वायर के भी और गोले के भी, इसको बना पाएं, अगर हमें सेम उसी तरीके से बनाना है कंपैरेटिव टू, मान लीजिए ये गोला, ठीक है, ये गोला हो गया और ये बनाना है हमको, तो हमें पता है कि भाई इसको इसी शेप में, इसी साइज में बनाना है। इसको भी हम बनाएंगे, ये हमने बना दिया कंपैरेटिव, हम इसको कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट से। तो उस दौरान में हम ऐसा नहीं करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट सेम है, इसको हमने छोटा बना दिया, ये जो रबर है इसको हमने छोटा सा बना, है ना, या ये है तो इसको हमने बड़ा सा बना, क्योंकि ये तो इसकी साइज़ तो बड़ा ही नहीं। हाँ, अगर इसको हम बड़ा बनाते हैं तो ये फिर हम बना सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिव, यानी इसका जो शेप है वो कंपैरेटिव टू अदर रहेगा, प्लस इसका जो अलग अलग शेप है उसका मीज़रमेंट हम ध्यान में रखेंगे कि वो एक्सीड ना करे। जब वो एक्सीड नहीं करेगा तो हम उसको काफ़ी हद तक सेम शेप में बना पाएंगे।
क्योंकि अगर एक्सीड करता है तो दो चीज़ें होंगी, एक तो रेशियो ख़राब होगा, शेप भी ख़राब होगा। तो यहाँ पे आपको इसी के अंदर में शेप देखनी है, कई शेप इसमें आपको नज़र आ सकते हैं। आपको ये जैसे दिख रहा हो यहाँ पे कि चलिए ये एक थोड़ा चौकोर सा हो गया, इसको आप मान सकते हैं कि ये एक ट्राइंगल टाइप में आपको बनाना है इस तरीके से। कुछ भी आपको ध्यान क्या रखना है कि ये सेम टू सेम चीज़ें पेपर पे आ पाए, यानी कितने हद तक सिमिलर आप उसको बना पाते हैं ये इम्पोर्टेंट होता है। सेम टू सेम भी बन सकता है, थोड़े वेरिएशन भी हो सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियल फेज़ में दिक्कतें आएंगी, पेपर पे उतारने में दिक्कत आएगी, लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि पेपर पे उतारते वक्त आपको कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है, चीज़ों को समझना है और पेपर पे उतारने की कोशिश करनी है। पहला जो काम है कोशिश करना, बनता है नहीं बनता कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्रैक्टिस कीजिए किस तरीके से बन रहा है। अब ये देखिए, जैसे ये मैंने चार्जर बनाया है, बड़ा सिंपल सा चार्जर है ये, ये लाइन करके, ये इसके प्लग जो है लाइन करके मैंने उसमें बना दिया। तो अगर देखा जाए तो लगेगा क्या चार्जर है, लेकिन ऑब्वियसली ये चार्जर नहीं, तो लेकिन उस शेप का चार्जर है। तो वो शेप समझ में आना चाहिए, वो लगना चाहिए कि हाँ वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर चीज़ जो हम बना रहे हैं वो है। तो उस चीज़ पे फोकस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप जो दिमाग में सोच रहे हैं उसको पेपर पे उतारें। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज़ें धीरे धीरे ही डेवलप होती हैं, रातों रात कोई भी घोल कर नहीं पिला सकता। मैंने आपको प्रैक्टिसेस बताई इमेजिनेशन और इन सब चीज़ों की, जाहिर सी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक दो बार ऐसा कोशिश किया या चाहे एक दो दिन में आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत ही मतलब तगड़ी हो जाएगी, क्रिएटिविटी तगड़ी हो जाएगी और रातों रात आप आर्टिस्ट बन जाएंगे और सारी चीज़ें बनाने लगेंगे। ये सिर्फ एक आइडिया मैंने दिया, एक आइडिया कन्वे किया कि इस तरीके से ये रूट है, ये प्रोसेस है, ये रास्ता है, इसको फॉलो करके आप धीरे धीरे चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, स्किल डेवलप कर सकते हैं, अपने दिमाग में जो स्किल्स हैं या कहें जो इमेजिनेशन क्रिएटिविटी है उसको पुश कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। साथ ही धीरे धीरे पेपर पे जब आप उतारेंगे उसमें ये सब हेल्पफुल होगा। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट चैप्टर में हम इसी इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी के संदर्भ में बात करेंगे और इसको और एक्सटेंड करेंगे, कुछ और पॉइंट्स, कुछ और एंगल्स, कुछ और टॉपिक्स हम उठाएंगे और बताएंगे। और नेक्स्ट चैप्टर में हम कुछ अच्छे एग्जांपल्स देंगे, कुछ बढ़िया एग्जांपल, ज़्यादा हाई फाई तो नहीं लेकिन हाँ कुछ बढ़िया एग्जांपल्स इस तरीके के हो सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स हम बना के और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से ये हम वर्कआउट कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो हम अभी पढ़ रहे हैं इस तरीके का एग्जांपल नहीं लेंगे, बड़े सिंपल है। नेक्स्ट में हम थोड़ा सा टफ एग्जांपल लेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि ये सब चीज़ें इन आर्ट स्किल, ये सब चीज़ें जो हैं, ये आर्ट स्किल जो आपकी है वो करंट में उसको अफेक्ट करती हैं, उसको डेवलप करती हैं और धीरे धीरे बढ़ाती हैं।